गोरखनाथ के चेले राजा भर्तृहरि जो यहाँ के उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उनके बड़े भाई राजा भर्तृहरि थे। जब ये एक शिकार खेलने गए थे तो एक हिरण को तीर मारा था, तो हिरण कहाँ गिरा था? जब बाबा गोरखनाथ तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई थी, वो हिरण उनके आगे गिरा था। फिर वो राजा भर्तृहरि से बोला, इन्हें इसको क्यों मारा? तो इसको मानना पाप है। तो उन्होंने कहा, बाबा गलती हो गई, इसको जिंदा कर दो। उन्होंने कहा, आप ऐसा जब मानने का अधिकार, जिंदा नहीं कर सकते तो उसको मानने का अधिकार भी नहीं है। फिर राजा भर्तृहरि कहता कि ठीक है, हाँ आप जिंदा कर दो। तो उन्होंने कहा, एक शरत पर बाबा गोरखनाथ ने क्या, उन्होंने कहा आपको तपस्या करना पड़ेगी। उन्होंने ठीक है, तो राजा भर्तृहरि को वो उन्होंने बाबा गोरखनाथ ने उसको हिरण को जिंदा कर दिया। फिर उससे बोला, तपस्या कर राजा भर्तृहरि से। राजा भर्तृहरि ने कहा ठीक है। तो जब राजा भर्तृहरि अंदर जाते हैं, वो क्या नाम, उसको देखते हैं कि वो उसके महल में जाते हैं राजा भर्तृहरि का, उनकी वाइफ कहने कि उनकी वाइफ बहुत खूबसूरत रहती। तो बाबा गोरखनाथ समझ जाते हैं कि इनकी तपस्या, इनकी जान काट की इनकी वाइफ है। तो उनके एक फल देते हैं अमर होने का, किसको? राजा भर्तृहरि को। जाते जब भी आएगा तो उनकी वाइफ ऐसी किसी मिलेगी। तो वो फल किसको देते हैं? राजा भर्तृहरि को। राजा भर्तृहरि किसको देते हैं? उनकी वाइफ को। एक वाइफ उनका घोड़ा चलाने वाला रहता उनके महल में, तो वो उनसे मोहब्बत करती थी, तो वो उसको फल दे देती। फल वो उसको महल के अंदर घोड़ा चलाने वाले को देती। घोड़ा किसको? जो एक वेश्या रहती है वहाँ पर, जो नाचने वाली महल में, तो वो उसको दे देता है, वो उससे प्यार करती। और वो जो तपस्या जो रहती थी, जो फल देते हैं वेश्या को, वो वेश्या राजा भर्तृहरि से मोहब्बत करती थी। वो फल के घूम फिर के फल किसके वजह से आता वापस से? राजा भर्तृहरि का ने। जब उन्होंने तपस्या करी, कि कोई खूबसूरत किसी की नहीं होती, जब इस गुफा में बैठ के उन्होंने तपस्या करी, आप लोगों को यहाँ पर देखना, उन्होंने 200 साल तपस्या करी बैठ के। उसके पास में गोपीचंद की गुफा है, दो गुफा दर्शन करके वापस ऊपर आ जाओ, सीधे चले जाओ। जैसा कि गाइडर ने बताया, हम जा रहे हैं भर्तृहरि के कौन सी गुफा है वो? राइडर ने कहा है, सॉरी राइडर ने, मोहब्बत का चक्कर बाबू भैया, मोहब्बत का चक्कर बाबू भैया। अन्ने बैग दे दो, अन्ने जाएंगे इस तरह नहीं तो चाहिए ना। मैं अन्ने नहीं नहीं मैं पे जाने आ रही हूं, पे जाने आ गौ दान माला गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता बचाना के लिए बीतता प्रचार की थी गौ दान माला गौ माता की सेवा लेकिन हाँ मेरे हिसाब से हाँ। तो भाई बोलते हैं ना कि भाई वो खूब किसी भी खूबसूरत चीज किसी की एक की नहीं होती, की नहीं होती। छोटू याद रख, वो फल भाई के पास आ, वो अपने ही पास आए हाँ भैया। हाँ हाँ हम पहुँच गए, हम पिछली बार बदरप से आए थे, मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी जो गुफा है जा सही में बदरफ से आए थे, वो मंदिर गए थे, ऐसे गए थे अपन, ऐसे सामने वाले मंदिर गए थे। गुफा कितने जन जाता अंदर है? ये है गुफा भैया, तो ये गुफा है, इसमें अब एंटर हो रहा है, ये एंट्री गेट है। योगी आदित्यनाथ जी लगे, योगी पंचायत के, वाह भाई योगी जी का। अच्छा ये हनुमान जी की प्रतिमा और ये गुफा, गुफा अंदर है, गुफा नहीं ये मूर्ति है, मंदिर है उनके। तो हम बस गुफा के ओर जा रहे हैं, ये है गुफा अंदर, बहुत गर्मी लग रही गुफा के अंदर, मेहनत लग रहा। तो बस ये गुफा में एंटर हुए हम, पंखा कूलर चल रहा है। यह रास्ता गुफा का,
भैया ये नीचे कितने जाना पड़ेगा भाई? ये गुफा भैया गुफा तो गुफा ही सही में रियलिटी वाली गुफा है। ये देखिए इधर इतनी गर्मी साला बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। ये बाबा है यहाँ पे चलो अल्ली दर्शन अभी यहाँ के यहाँ ये बाबा है। अब ये दूसरी गुफा वो गाइडर ने जैसा बताया था ये दूसरी गुफा ये इसमें कुछ नहीं है उसमें बाबा बैठे थे। ये तीसरी गुफा भाई बहुत गर्मी है ये गुफा है तो ये अपन आ गए बाहर। ये इसका बैकग्राउंड था ये। अब बाहर निकल रहे वापस बहुत गर्मी है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ऊपर जाना है जहाँ से निकलना है बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे। चलो ऊपर चलते 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 पहले हमको आने दो फिर आना आप नीचे अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर भाई उसकी साला गांड निकल गए कूलर लगा है यहाँ पे इसलिए। ये थे वो राजा प्रेमी अरे चलो बाहर चलो भाई पसीना में तर हो गए नहा लिया और दोबारा आखिरकार हम बाहर आ गए गुफा से। इतनी गर्मी थी उसमें क्या आ रहे हैं ये दूसरी गुफा है गुफा नंबर फेस टू फेस टू बम बम किनारे लग रहे हैं। बोले बोले अरे भाई 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 बस भाई ये दूसरा फेज था बाहर निकल रहे हैं बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे जल्दी गर्मी बहुत ज्यादा है। महादेव अरे तो बाहर आ गए आखिरकार
इतनी गर्मी थी साला पसीनों में भीग गए, ये देखी सारे के चेहरे देखे साले सारे चेहरे देखे अरे अपन ने एक सही टाइम पे घुस गए थे लोग बताई थी अपन ने पब्लिक पूरी और गर्म हो रही बहुत बड़ी को 1500 पटकान और हुआ को ये है वो हमने फोटो डाली थी ना ये मंदिर है वहां का अरे कौन रहा को छोड़ भी रहा देख सकते वहां को पानी पसीना पसीना होगा साले सभी तो अब जा रहे हैं दूसरे मंदिर ये मंदिर है वो जहाँ प्रतिमा है उनकी वहाँ तो वो रहते थे तपस्या की थी उन्होंने जैसा कि गाइडर ने बताया मुझको भी कुछ ज़्यादा नहीं पता ये है वो राजा जी प्रेम के पुजारी थे ये उसके उनके चारों ओर से परिक्रमा करने के लिए यहाँ ये मूर्ति रखी हर जगह पर बोले तो ये हम कर लिए दर्शन अब जा रहा है वापस मेरे साथ वाले आगे निकल गए थोड़ा ये उनकी पादुकाएं चिन्ह वहां पर भी है अभी जा रहे हैं अब बाहर की ओर टेम्पो की ओर तो बस जैसा कि आपने बताया ठीक है अब टेम्पो के पास जाइए हम आ गए पूरी तरह बाहर जहां थे अब जाएंगे अब दूसरे मंदिर पे जो हमें गाइडर बताएगा वो जा रहे हमारे पूरे दोस्त तो ये टेम्पो आ गया टेम्पो में बैठेंगे और जाएंगे दूसरे स्थान पर दो मंदिर हुए अभी तो 8 मंदिर घूमना है मतलब बहुत लंबा ब्लॉग बनेगा 800 में पानी तो भाई एक और ले जा बाटल पूरी ले जा पानी हाँ पानी बाटल पूरी ले जा मैं चल रहा मेरे का जब ले गई फिर प्यास लगा मोहब्बत का चक्कर इनको पता है कि राजा के साथ क्या हुआ था अब कहाँ जाएंगे अपन काल भैरव अब काल भैरव जाएंगे गाइस तो ये सुनिए अब किसका उसका क्या कहते हैं कौन से मंदिर के तारीफ सुनिए तारीफ हाँ तारीफ बताइए तारीफ छोटे भाई मोहब्बत का चक्कर बाबू भैया मोहब्बत का चक्कर प्यार में बंदे ने प्यार में लगाई आग और गुफा में जाके बैठ गए आज तो ये कौन से राजा थे वो मोहब्बत का चक्कर कौन से राजा थे वो कौन से राजा थे लाओ पानी बोतल राजा भरचंद्र की बात है यार वीडियो अब जा रहे हैं दूसरे स्थान पर कुछ दिन पे रजत एंट्री से लेके एग्जिट तक है रजत तो अपन अब कहाँ जा रहे हैं कहाँ निकल सिद्धि मणि आश्रम जा रहा है अब चलो हमारा गाइडर लेके जाएंगे हमको सिद्धि मणि आश्रम ओए मैं जा पूछ रहा हूँ एंट्री से लेके बाबू भैया काली का चक्कर है अरे दादा पहुंचे अब पहली बॉली में घुसे जब ठीक तो गर्मी तो इतनी लग रही है चक्कर है कौन नहीं को कौन भैया कभी कौन नहीं को बाबू भैया अरे कौन नहीं और नहीं जाने भाई को देख रहा कितने को सो बाबू भैया अल्लाह मत करो गाड़ी काट के देख दो छोटे तो हर हर महादेव चाचा यही तो है